पिक्चर नहीं बनाई आपने? मैंने यशिका, बनाई यशिका गुड, यशिका वेरी गुड। है। थैंक तन्मय, तन्मय गुड। थोड़ी सी ड्राइंग और अच्छी करनी है तन्मय, अच्छी बनाई है बट थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, ठीक मैम है? वंशिका, होमवर्क। अंश, आदित्य, पलक, हरियप, सोनाक्षी, नॉट विजिबल बच्चे, कलर्स तो किए ही नहीं आपने। सोनाक्षी, कलर्स कौन करेगा? पलक, सौम्य, होमवर्क। यस मैम। अर्चना, कृषव, बच्चे सबने बनानी है, सबने होमवर्क करना है और ड्राइंग भी सबने बनानी है। पलक, ड्राइंग कहाँ बनाई है? क्रिसमस सीन कहाँ बनाया है? दिखाओ मुझे। फर्स्टली अनम्यूट योर माइक। पलक, मैम आपको पर्सनल नंबर बच्चे मैंने यहाँ पे भी तो देखना है ना। ओके, पेज नंबर 25 ओपन कर लिए सबने? ओके, तो कल हमने पिक्चर बना ली थी, सांता क्लॉज बना लिया था और हमने ट्री बना लिया था, क्रिसमस ट्री। अब हम क्या करेंगे? क्रिसमस ट्री में, सेंटा क्लॉज में तो हमने कलर फिल कर दिया था बट क्रिसमस ट्री में हमने कलर फिल नहीं किया था, तो उसको पहले फिल कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज यस, मैम, मैं क्लास में अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। बच्चे पेज नंबर 25 ओपन करना है। पेज नंबर 25, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस थे, अभी हम कलर कहाँ फिल करेंगे? क्रिसमस ट्री में, तो कौन कौन से कलर फिल करना है? कौन से ग्रुप में जाएंगे और कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? कलर हम जाएंगे तभी हमारा जो कलर है वो इसमें हम फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखो, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इसके बाद कौन सा कलर चूज करना है? ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर में फिल करूंगी। यहाँ पे कर दिया फिल ग्रीन कलर। ये अब इसके बाद यहाँ कौन सा फिल करेंगे कलर हम? ब्राउन मैम ब्राउन। कलर। Yes, तो ब्राउन कलर मैंने चूज कर लिया। ये देखो, यहाँ से मैंने ब्राउन कलर चूज कर लिया और ब्राउन कलर में यहाँ पे फिल कर दूंगी, ठीक है?
ये ब्राउन कलर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये जो गिफ्ट्स बनाए हैं, स्टार, ऑल शेप, ट्रायंगल, इसमें मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो फिल करने हैं। तो कौन सा स्टार में कौन सा कलर फिल करना है? मैम येलो। मैम येलो करना है। स्टार में कौन सा कलर? मैम येलो। स्टार में, ऑल शेप में नहीं, स्टार में फिल करना है। कौन सा कलर फिल करना है स्टार में? मैम रेड। मैम रेड। रेड। मैम रेड कलर फिल करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखो, अब मैंने रेड कलर चूज कर लिया। मैम टॉप वाले स्टार पे येलो कलर फिल करना। बच्चे स्टार में तो रेड कलर है ना, टॉप में जो स्टार है उसमें भी रेड कलर है। तो यहाँ पे देखो, ये कलर ऑप्शन से मैंने कलर चूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे कलर वन पे वो सेम कलर आ रहा है। मींस जो मैंने चूज किया वो यहाँ पे कलर ऑप्शन पे आएगा और वही यहाँ पे फिल होगा। कैसे? किसकी हेल्प से? फिल विद कलर की हेल्प से। ये जो आपका बॉक्स बना है इसमें कलर है, कलर आ गया इसमें कौन सा? रेड कलर। तो रेड कलर यहाँ पे मैं अब फिल करूंगी, ठीक है। ये मैंने फिल कर दिया स्टार में, हर एक स्टार में मैंने रेड कलर जो है वो फिल कर दिया। अब मुझे बताओ, ओवल शेप में कौन सा कलर फिल करना है? मैम येलो। ओवल शेप ऑरेंज। मैम ऑरेंज। मैम ऑरेंज। यस, अब मुझे येलो कलर चूज करना है। मेरे को येलो कलर मैंने चूज किया तो यहाँ पे भी येलो कलर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑल शेप में येलो कलर फिल कर लूंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ट्रायंगल शेप में कौन सा कलर फिल करना है? मैम पर्पल। मैम पर्पल। मैम पर्पल। तो यहाँ से कलर चूज किया और पर्पल कलर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब ट्राइंगल शेप में मैंने पर्पल कलर जो है वो फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पर्पल कलर फिल कर दिया, ठीक है, ट्राइंगल शेप में। अब हमारे पास क्रिसमस ट्री भी हमारे पास रेडी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने? नेक्स्ट कौन रीड करेगा इसको? क्रिसमस ट्री में कलर फिल करने के बाद लेट अस ड्रॉ अ कॉल आउट। नाउ लेट अस ड्रॉ अ कॉल आउट, यहाँ से रीड करना है। पेज नंबर 25, सेकंड पैराग्राफ, फनास्टी। यस मैम। रीड करो इसको। नाउ लेट्स ड्रॉ अ कॉल आउट। स्टेप 9, सेलेक्ट क्लाउड कॉल आउट फ्रॉम शेप्स ग्रुप। Next. Step 10, draw the call out between the tree and the Santa Claus. Okay, next. Step 11, click test from tools group. Let us now insert text in the call out. ऐसे रीड करना है। इंसर्ट टेक्स्ट इन द कॉल आउट। स्टेप 12, टू ड्रॉ स्टेप 11
step 11, text from tools group. Yes, click text. Text, ये जो A लिखा है ना बॉक्स में, इसको अंडरलाइन कर लेना. क्लिक टेक्स्ट A फ्रॉम टूल्स ग्रुप. टूल्स ग्रुप कहाँ है हमारे पास? ये टूल्स ग्रुप दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. इसके अंदर ये देखो A, A भी दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको हम A को चूज करते हैं. ये कौन सा ऑप्शन होता है? ये होता है टेक्स्ट टूल. कौन सा टूल होता है ये? टेक्स्ट टूल. मैम टेक्स्ट टूल. यस. और कहाँ से चूज? टूल्स ग्रुप से चूज करते हैं इसको. और क्लाउड कॉल आउट कहाँ से चूज करते हैं? क्लाउड कॉल आउट कौन से ऑप्शन से चूज करते हैं? शेप से. कहाँ से चूज करेंगे क्लाउड कॉल आउट? मैम शेप से. यस. अब देखते हैं इसको. यस. अब स्टेप 12 रीड करो, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं. स्टेप 12 सोनाक्षी. Yes. Draw a text box inside the cloud call out. Yes. Drag to draw a text box inside the cloud call out. अब हमने जैसे cloud call out मैंने insert किया, उसके बीच में text कैसे लिखना है उसको insert करूंगी. ठीक है, तो देखना अपनी book में भी देखो कि ये जो cloud है, cloud insert of your text from the
14. Type your text. Yes. Last step भी read कर लो. Yes ma'am. Step 15. Fill a color in the black background. A sink filled with color to using. Background using. Complete your Christmas picture. Fill a color in the background using fill with color to complete your Christmas picture. तो ये बॉक्स जैसे बने हुए ना फिल विद कलर टेक्स्ट टूल, ये आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा बॉक्स जो है किससे रिलेटेड है. ठीक है, तो इससे पहले पेज नंबर 25 पे आ जाओ. पेज नंबर 25 ओपन कर लिया. यस यस. यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ से हम साइज चूज कर सकते हैं. ये जो 11 लिखा है यहाँ पे हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 12 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं साइज को. ये जो बी लिखा है, बी मतलब जो टेक्स्ट लिखोगे उसको बड़ा करके हाईलाइट करके, मतलब बोल्ड टेक्स्ट आएगा आपका. ठीक है, जैसे ये है ना, ऐसे क्या हो जाएगा आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा, बड़ा करके शो होगा. ठीक है, और ये आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट को इटालिक कर सकते हो, मतलब उसको कर्सिव, जैसे आप लिखते हो ना कर्सिव लैंग्वेज में. यस मैम. कर्सिव लैंग्वेज आप लिखते हैं तो वैसे ही आप उसको इटालिक कर सकते हो, मतलब ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, ये सीधे वर्ड्स हैं और इटालिक में आपके टेढ़े आ जाते हैं, इस शेप में आ जाते हैं. ठीक है, फिर क्लिक टू अंडरलाइन योर टेक्स्ट. ये जो यू लिखा है, यू के नीचे लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है कि आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो. उसके बाद यहाँ पे कितने सारे कलर्स हैं, आप अपना कोई भी कलर चूज कर सकते हो. ठीक है, एक बार इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. ओके मैम. यस मैम. तो यहां देखना है सबने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पे ले लिया. अब टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है, जो लिखना है वो मुझे आप बताना, क्या लिखना चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स में. मैम हैप्पी क्रिसमस. मैरी क्रिसमस. मैरी क्रिसमस. मैरी क्रिसमस. ये लिखते हैं मैरी क्रिसमस. और जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे. यही है ना. यस यस मैम. लिख दे इसमें. ठीक है, लिख देते हैं. मैम जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे है. जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे. ओवल सर्कल. यही है ना. जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे. दिख रहा है सबको टेक्स्ट. तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, हम अभी हमने सीखा टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, टेक्स्ट को इटालिक कर सकते हैं और उसमें कलर फिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले टेक्स्ट आपका ये देखो, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, बट जब इसको बोल्ड करेंगे तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में, यहाँ पे देखो ये जो बी लिखा है
इस पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया, हाईलाइट हो गया, साइज यहाँ पे 20 है, आप इंक्रीज कर सकते हैं इसका साइज, 22 कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने साइज क्या देना है, ठीक है। उसके बाद आप इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक में देखो जैसे आप लिखते हो वैसे ये वर्डिंग आ गई आपकी, इटैलिक में टेढ़े हो जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। ओके मैम। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे ये देखो अंडरलाइन हो जाएगा, यू ये देखो यहाँ से अंडरलाइन, यू से मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे डिफरेंट कलर देना है, सिर्फ मैंने क्रिसमस को इसका कलर जो है वो मुझे अलग करना है, कौन सा कलर देना है इसको, विच कलर मैम? पिंक। पिंक का कलर देना मैम, ग्रीन, ग्रीन और पिंक मैम, रेड मैम, रेड मैम, पिंक मैम, पर्पल दे देते हैं इसको, पर्पल कलर दे दे इसको। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये देखो मेरी क्रिसमस जो है उसका कलर हो गया, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। कहाँ से कर सकते हैं कलर, यहाँ से कलर ग्रुप से हमने कलर कोई भी चूज किया, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ये आपके पास क्रिसमस सीन जो है वो यहाँ पे बन गया, अच्छा बने? यस मैम। आपने भी अच्छा बनाना है, ठीक है, एक बार फिर से बनाना है। आज सेम आपका होमवर्क ये भी होगा कि आपने आपका क्लाउड कॉल आउट आपने यूज करके उसमें आपने वर्डिंग लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, और कलर्स भी फिल करने और अच्छे से बनाना है, ठीक है। ओके मैम। यस। उसके बाद मम्मा आपने मेरा चेक कर देख लो। स्टेप 15 क्या है? फिल अ कलर इन द बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में ये तो आपका फोरग्राउंड है, ये देखो क्रिसमस ट्री आपका पहले है, कॉल आउट पहले है। अब इसके लिए जो व्हाइट ग्रीन मैम, मैम मैंने आपको मैम असेसमेंट में सेंड कर दिया था, आपने देख लिया मेरा? देख लिया बच्चे, दिस इज माय अटैचमेंट, आपने आई थी, मैंने सबका देखा है। तो थोड़ा सा और अच्छा बनाना है, जिसने अच्छा बनाया मैंने उसको रिमार्क भी दिया है, अच्छा लिखा है वहां पे, गुड भी दिया है, और जिसने अच्छा नहीं बनाया उसने और अच्छा बनाना है, ठीक है। तो ये देखो ये जो बैकग्राउंड में कौन सा कलर है इसके मैम? ग्रीन। कौन सा कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में? नो मैम, मैम ब्लू। ये ब्लू कलर तो यूज ही नहीं किया हमने इसमें। मैम पर्पल। नॉट पर्पल। बैकग्राउंड में ये मैम व्हाइट। मैम व्हाइट। मैम व्हाइट। मैम व्हाइट। ये इसका बैकग्राउंड है वो व्हाइट, मैम ग्रे, अलग कलर दे देंगे। व्हाइट कलर को कौन सा कलर देना है? ग्रे। मैम पिंक। मैम ग्रे। मैम ग्रीन। ग्रीन। एक्सक्यूज मी मैम, मैम कलर दे देंगे तो टी का कलर भी सेम हो जाएगा। कलर कलर है मैम ग्रे। ब्लू। ग्रे कलर मैम। ग्रे। मैम ग्रे। मैम ग्रे। ग्रे कलर देना है या कोई और कलर देना है? इसमें देखो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिससे वो अच्छा लगे तो हम इसमें से कलर देते हैं बेज। यहाँ पे ये बहुत सारे कलर्स होते हैं तो जो आप इसमें देना चाहते हैं वो कलर इसमें से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ग्रीन कलर अलग से चूज किया, ये आपका ग्रे दे दो।
मैम ग्रे दे दो। मैम ये वाला दे दो मैम जो आपने कलर चूज किया है। मैम लाइट ये एक आपने यस कर देनी है ठीक है जो अच्छा लगेगा आपको। ये देखना यहाँ पे कलर से ये कलर कैसा लग रहा है? नो मैम येलो मैम। और ये कलर यस मैम नो मैम ये कलर मैम बहुत अच्छा लगेगा मैम करे मैम नो मैम मैम लाइट कलर मैम ऑरेंज मैम मैम स्काई ब्लू स्काई ब्लू ब्लैक 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 तो आपका दिखेगा कुछ भी सिर्फ मैम स्काई ब्लू कलर कुछ लाइट कलर होना चाहिए मैम स्काई ब्लू मैम स्काई कलर ये कलर दे दिया नो मैम नो मैम मैम ऑरेंज जो रिमेंबर पॉइंट है इसको रीड करो फ्रेंड है छवि छवि इसको रीड करना है छवि यस मैम यस इस पॉइंट को रीड करो बच्चे चूज कलर साइड फोन and style of your next from the next table for step type your text ये read करना है बच्चे क्या read कर रहे हो आप ये read करना है इसको underline भी करना है सबने font has different look and shapes of letter क्या ये font has different look and shapes of letter ये देखो पेज नंबर 25 पे पेज नंबर 25 ओपन किया सबने यस मैम ये अभी जो हमने किया ये फॉन्ट ग्रुप से हमने साइज कर लिया चेंज इसको बोल्ड कर लिया इटालिक भी किया अंडरलाइन भी किया और इसका फॉन्ट ये भी होता है फॉन्ट फेस कौन सा फेस देना चाहते हो तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लुक दे सकते हो आप किसमें दे सकते हो लुक फॉन्ट में फॉन्ट का डिफरेंट डिफरेंट लुक हो सकता है ठीक है और लेटर्स की शेप भी आपकी डिफरेंट हो सकती है जैसे इटालिक कर दिया हमने ठीक है तो उसकी शेप्स भी आपकी डिफरेंट हो जाएंगी उसके बाद कौन रीड करेगा मैम आप मेरी कैन रीड मैम आई कैन रीड मेरे के लिए मैम आई कैन रीड मैम एक्सक्यूज मी मैम मैं कैन रीड कभी भी नहीं करती एक्सक्यूज मी मैम आई कैन रीड शौर्या मैम जो आप पेज रीड करने के लिए बोल रहे हो वो मेरा 26 पेज इमेज ब्लू तो अभी 26 पेज ही निकालना है 25 हमने कर लिया अब 26 पेज निकाल लो ये रीड करना है बच्चे द इमेज ब्लू देन देखो हेलो
Okay. Container commands to select a crop the size of limb, flip or a rod, rotate an image. Let us know. Learn to yell. आर्यन योर टर्न. यस मैम. 2 5 6. यस मैम. यस मैम. बच्चे रीड करो उसको. इमेज ग्रुप पेज नंबर 26. यस मैम. द इमेज ग्रुप कंटेंस कमांडोस टू सेलेक्ट कमांड्स टू सेलेक्ट प्रोब द साइज फ्लिप और रोटेट एन इमेज. इमेज इसको अंडरलाइन कर लो. सबसे पहले द इमेज ग्रुप कंटेन्स कमांड्स टू सेलेक्ट क्रॉप रिसाइज फ्लिप और रोटेट एन इमेज. इमेज ग्रुप में ये जो आपका इमेज ग्रुप है ये दिख रहा है सबको. इमेज ग्रुप इस इमेज ग्रुप में क्या क्या कर सकते हो आप. इसमें क्या कर सकते हो. अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो और रोटेट कर सकते हो. तो कौन है. मैं कृषक म्यूट योर माइक. तन्वी म्यूट योर माइक. क्या बोल रहे बच्चे. नेक्स्ट लाइन रीड करनी है. लेट अस नाउ लर्न टू यूज सम मोर कमांड इन द इमेज ग्रुप. इसमें और कौन सी कमांड्स होती है इमेज ग्रुप में वो हमने पढ़ना है. तो नेक्स्ट कौन रीड करेगा. इसको रीड करेगा मैम. आई कैन रीड मैम. अभी स्टॉप स्टॉप. कोई बात नहीं करेगा. जिसकी टर्न मैं बोलूंगी वही रीड करेगा उसको. मैम आदित्य शर्मा रीड करना है. नव्या ने. नव्या नव्या कैन यू हियर मी. Yes, read it. Next paragraph read करो बच्चे. मैम पेज नंबर 26 द इमेज ग्रुप. नेक्स्ट पैराग्राफ यू हैव ऑलरेडी लर्न. यहां से रीड करो. मैम विच पेज नंबर. बच्चे सो रहे हो आप. विच पेज नंबर. तीन बार बता चुकी हूँ. पेज नंबर 26 द इमेज ग्रुप सेकंड पैराग्राफ. आई कैन रीड. नो नव्या. फिर बच्चे बोलते हैं हमारी टर्न नहीं आती है. हमारी टर्न नहीं आती मैम. रिपीट नहीं करना है. रिपीट करने कहता अंश मेहता.
रिटर्न का भी नहीं लेते हैं। अंश मेहता। यस मैम। रीड इट बच्चे, यू हैव ऑलरेडी लर्न, यहाँ से रीड करना है इसको। Already read how to select drawing. Already learn how to select drawings. You can select the whole or part of a drawing using select command. Yes. So इसको implement करो. So you can select the whole or part of the drawing. Using select command. ये तो select command आपकी book में दिख रही है, आपको ये picture बनी हुई है ना select command की, ये yes. ये select command की, इससे आप क्या कर सकते हो, तो पूरी इमेज को select कर सकते हो, या आपको ये part select करना है या फिर ये part select करना है, इसको आप किसकी help से कर सकते हो, select कमांड की हेल्प से। तो उसको अंडरलाइन करना है सबने, कर लिया अंडरलाइन? यस। गुड। नेक्स्ट अंश, नेक्स्ट रीड करो।